मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग प्री वर्कआउट में ले रहे हैं ये जीगा वाटर एंड पम्पकिन सीड्स, और उसके बाद हम लोग आधा घंटा का बीच में ब्रेक लेंगे, उसमें कुछ हाउस होल्ड वर्क करेंगे और फिर वर्कआउट करेंगे। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं और प्री वर्कआउट में हाफ एन आवर या वन आवर का डिफरेंस होना चाहिए, हमें तुरंत कुछ लेके वर्कआउट नहीं करना चाहिए। तो आज मैं एब्स के वर्कआउट करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चलो। 2000 years later. वर्कआउट इज कम्प्लीट और आज हम लोगों ने एब्स एक्सरसाइजेज किए और आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से वर्कआउट किए हैं। इसमें सबसे पहले मैंने किया था वार्म अप के लिए मैंने पहले नेक्स का वार्म अप किया। इसके लिए मैंने नेक साइड रोटेशन किए, देन आर्म्स रोटेशन था, देन रिस्ट रोटेशन, देन लेग के लिए लेग स्विंग्स किए, फिर एंकल रोटेशन, देन कैट काउ पोजेस किए मैंने। ये सारे जो वर्कआउट है वार्म अप वाले, वो मैंने 20 रेपिटेशन किए हैं। अब उसके बाद मैंने किया है वर्कआउट, प्रॉपर वर्कआउट फॉर एब्स। तो इसके लिए मैंने किया है क्रंचेज 15 रेपिटेशन 3 सेट्स, रिवर्स क्रंचेज 50 रेपिटेशन 3 सेट्स, देन प्लैंक फॉर 30 सेकेंड्स एंड 3 सेट्स, एंड सुपरमैन पोजेज 10 रेपिटेशन 3 सेट्स, एंड गर्सियन ट्विस्ट 20 रेपिटेशन 3 सेट्स। तो ये था मेरा आज का वर्कआउट। इसके बाद मैंने कूल डाउन किया। कूल डाउन के लिए मैंने आर्म के कुछ स्ट्रेचेज किए हैं, ग्लूट ब्रिज किया है मैंने 30 सेकेंड्स के लिए, चाइल्ड पोज 30 सेकेंड्स के लिए, विंड रिलीविंग पोज 30 सेकेंड्स के लिए, एंड कोबरा पोज इज फॉर 30 सेकेंड्स। तो ये था मेरा आज का प्रॉपर वर्कआउट। और मैंने क्या क्या किया है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। और एक चीज़ आपको एकदम से कॉपी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे जो वर्कआउट होते हैं वो किसी पर्सन के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, मतलब उन्हें नहीं करना होता है। तो पहले आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी कंडीशन कैसी है, आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, आपको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, आपको कहीं बॉडी में जैसे कि बैक पेन या नी पेन वगैरह की इशू तो नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो उसमें हमें कुछ एक्सरसाइजेज नहीं करने होते हैं, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी यही कि आप किसी अच्छे ट्रेनर से पहले कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि विच एक्सरसाइजेज यू कैन परफॉर्म। बात तो सही है। देन आप अपना वर्कआउट प्लान जो है वो बनवाएं, तो वो एक सही अप्रोच होगा। तो मैंने अपने हिसाब से अपने बॉडी के कंडीशन के अनुसार ये वर्कआउट प्लान बनाया है। इफ़ यू वांट टू गेट पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान यू कैन विजिट आवर वेबसाइट nowmyhealth.com। तो आप वहां जाके बनवा सकते हैं। और साथ ही में आप कुछ भी वर्कआउट करें, आप वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं या फिर सिंपली आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्कआउट के साथ इम्पॉर्टेंट होता है डाइट, जो हम लोग फॉलो करते हैं। एंड इसमें भी आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही नहीं, अभी और सुनिए, क्योंकि आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, आपका डेली रूटीन क्या होता है, आपके हेल्थ कंडीशंस क्या है, आपके फूड प्रेफरेंसेस क्या है, इन सारे बातों पे आपकी डाइट डिपेंड करती है। उसी के अनुसार हम लोग
आपकी डाइट जो है बनाते हैं। क्या बात है। तो इसके लिए भी आप किसी भी अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं और अपना डाइट प्लान बनवा सकते हैं। समझ गया भाई। तो रहन दो फिर। और सेम आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट nowmyhealth.com पे जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ जाके अपना डाइट प्लान बनवा सकते हैं। तो आज का ये वर्कआउट बहुत अच्छा था एंड इफ़ेक्टिव था। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको सारे वर्कआउट करने हैं, आपको वर्कआउट को प्लान करना है कब कौन सा वर्कआउट करना है और कंसिस्टेंसी के साथ करना होता है, तभी रिजल्ट आते हैं। A few moments later. और साथ में हर वर्कआउट के बीच में एक रेस्ट पीरियड होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम वर्कआउट करते जाए और थक जाए। मैं तो थक गई भाई। चुप। ऐसा नहीं है, ऐसे में आपकी मसल फटीग हो जाएगी और रिजल्ट नहीं आएंगे, उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। तो हर वर्कआउट के बीच में आपको कुछ देर का रेस्ट लेना होता है। तो आज का वर्कआउट कंप्लीट है। चंदन, आपने कुछ किया है एक्स्ट्रा? मैंने चेस्ट का, शोल्डर का और ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज किया है। बंद करो हाथ जोड़ के। और चंदन का था शोल्डर, ट्राइसेप्स एंड चेस्ट। तो चंदन ने अपने बॉडी के अनुसार अपना डाइट वर्कआउट प्लान बनवाया है एंड ही वांट्स टू बिल्ड मसल। तो इसका वर्कआउट प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है और मेरा वर्कआउट प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वैसे ही आप ही अपने चॉइस के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना वर्कआउट प्लान बनवा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब हम लोग चलते हैं, फ्रेश होते हैं और बात करने के बाद फिर ब्रेकफास्ट लेंगे। तो मिलते हैं अब ब्रेकफास्ट में। अभी हो चुका है हमारा ब्रेकफास्ट टाइम। अभी हो नहीं चुका है ब्रेकफास्ट टाइम, तो बहुत पहले हो चुका था। अभी आप टाइम देख सकते हैं कितना बज चुका है, इट्स गोइंग टू 11। ए देवा, बहुत भूख लगा है आज। तो आज इसलिए इतना ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मेड बिना कहे एब्सेंट हो गई। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो पहले अगर बताती तो शायद कुछ प्लानिंग होकर काम जो है वो कम होता, लेकिन ओवरवर्क इतना ज़्यादा हो गया कि मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो मॉर्निंग स्नैक के टाइम में हो गया। एनीवे, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें लेना है अपना ब्रेकफास्ट। और इसमें मैंने क्या डाला है वो मैं बताती हूँ आपको। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। तो इसमें मैंने डाला है 30 ग्राम ऑफ ओट्स, 200 ml ऑफ मिल्क विदाउट फैट एंड इसमें डाला है सम रेजिंस, 2 डेट्स एंड 1 बनाना स्मॉल साइज एंड हाफ ऑफ एप्पल एंड डाला है मैंने चॉकलेट पाउडर। और पोस्ट वर्कआउट के लिए मैंने डाला है इसमें एडेड 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इस स्मूदी के। और ये पोस्ट वर्कआउट बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और आज मेरा वर्कआउट भी अच्छा था, इसलिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो उसकी नीड आज जो है ये फुलफिल कर देगा। तो आज मैं अपना मॉर्निंग स्नैक नहीं लूँगी क्योंकि मॉर्निंग स्नैक के टाइम में ही मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैंने अवॉइड करने की कोशिश की है लेकिन बट इतना ज़्यादा काम था कि काम निपटाते बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो रूटीनली हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो है ब्रेकफास्ट के टाइम पर ही हो जाए और ताकि हम लोग टाइम से मॉर्निंग स्नैक भी लेते जाए। लेकिन अब क्या है, अब दोनों जो मेरे मील थे वो कंबाइन हो गए हैं। तो अब हम सीधे मैं करूँगी लंच, उसके बीच में कोई भी स्नैकिंग नहीं होगी। अलग से बना देते हैं। कौन सा, चॉकलेट वाला? ओके चंदन, आपके लिए भी चाहिए क्या? हाँ मेरे लिए भी चाहिए, सेम। ओके तो मैं ये पी लेती हूँ, उसके बाद आपके लिए भी बन जाएगा। साक्षी का चॉकलेट शेक तैयार है
साक्षी कौन सा मग चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ओके साक्षी, कैसा लग रहा है देखने में? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसा है? इसमें कुछ रेजिंस भी है जिसको हम लोगों ने सोप नहीं किया। अरे साक्षी वेट कर लो, वेट करो पहले बनाने। रुको जरा, सबर करो। तो दो सेकंड वेट करो। रुको जरा, सबर करो। और ये है चंदन का, इसमें शुगर नहीं डला है और इसमें गुड़ डला है, और इसमें नो शुगर है तो ये चंदन का है, क्योंकि शुगर डाल दिया जाए तो चंदन का मसल बिल्डिंग जो है वो हो नहीं पाएगा। तो रहन दो फिर। तो इसीलिए इट्स डन, इज सो रिच। वाह, एग्जैक्ट एग्जैक्ट आपको जितना चाहिए था उतना है ये। हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स एंड इट इज वेरी यमी एंड हेल्दी। साक्षी कैसा है? बहुत ही बढ़िया। आए आए, वाह बहुत अच्छे। अपना अपना पीजिए, ये दिखा, ये मैंने बनाया था 2 दिन पहले और इसमें डाला था मैंने मिल्क को मैंने थिक करके बनाया था, और इसमें है जैगरी थोड़ा सा, और है इसमें कोकोनट पाउडर। तो ये घर का बना हुआ है और इसे इन लोगों ने डिमोल्ड नहीं करने दिया और इसी में इन लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने भी डिमोल्ड करना पोस्टपोन कर दिया और अब ये ख़त्म होने वाला है। तो नाना के लिए हम लोग ने तैयार किया है ओट्स, बनाना एंड एप्पल स्मूदी, क्योंकि नाना को चॉकलेट नहीं पसंद है। कैसे? मजा आया। हमारे पास 150 ग्राम चावल, 150 ग्राम दाल एंड 150 ग्राम्स ऑफ सब्जी, ये परवल की सब्जी है एंड आलू भी है इसमें। तो मैंने आलू बहुत ही कम लिया है, बहुत ज़रा सा है, नेगलिजिबल है, और इसके साथ मैंने लिया है सलाद। और ये है लेमन, लेमन में विटामिन सी होता है, अच्छा होता है ये, तो इसे भी रेगुलरली हमें लेना चाहिए। और ये है चंदन का प्लेट एंड साक्षी ने खाना स्टार्ट भी कर दिया है, इसे काफ़ी भूख लग गई थी। अजीब जानवर है, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते। तो फटाफट इसने खाना स्टार्ट कर दिया। और खाना कैसा लग रहा है लेमन के साथ? मज़ा आया। तो नीचे बैठ के ही खाते हैं, अक्सर आप देखते होंगे वीडियो में कि हमेशा हम लोग नीचे ही बैठे खाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके सारे क्या 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 बंद करो आप, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। नीचे खाने में हम खाने के लिए थोड़ा सा झुकते हैं फिर उठते हैं, तो इस मूवमेंट से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारे बॉडी में फूड अच्छे से मूव करता है। एंड ये पोस्चर जो ऐसा है इसमें हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और हमारा डाइजेस्टिव एरिया भी ज़्यादा रिलैक्स होता है, उसमें ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है तो डाइजेशन अच्छे से वर्क करता है। इसलिए इंडियन ट्रेडिशन में नीचे बैठ के खाने का जो है वो ट्रेडिशन है। तो आज आप इवनिंग स्नैक्स में क्या ले रहे हैं? आज इवनिंग स्नैक्स में है ग्रीन टी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एंड रोस्टेड चना। ओके। विथ दिस चिली एंड सम रॉक सॉल्ट। चिली? चिली क्यों? बिकॉज चिली हेल्प्स इन वेट लॉस। नहीं, झूठ बोल रहा है।
चिली खाने से आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है और आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। ये फंस गया सी है। तो फ्रेंड्स, मैं और मम्मा जा रहे हैं मार्केट, तो फिर आपसे आके हम लोग मिलते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। हम लोग वॉक करके जाएंगे क्योंकि ज्यादा दूर हमें जाना नहीं है, तो हम लोग कार का यूज नहीं कर रहे हैं। तो रहने दो फिर। क्या बात है? चंदन क्या बन रहा है? दिस इज पनीर कोल्हापुरी जिसमें बहुत सारे सीड्स है, लाइक पम्पकिन सीड्स, सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, क्यूमिन सीड्स वगैरह, जो कि बहुत हेल्दी है, स्पेशली वेट लॉस में टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। Meanwhile, अब हम देखते हैं कि आज डिनर में हमारे पास क्या है। तो डिनर के लिए चंदन ने बनाया है पनीर कोल्हापुरी, इसमें बहुत सारे सीड्स है जैसा कि चंदन ने बताया, एंड सलाद में है हमारे पास राइप पपाया। तो ये पपाया मैं ले लेती हूँ और उसके बाद हम लोग लेंगे अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ पनीर। इसमें ग्रीन वेजेस भी हैं और सम हेल्दी सीड्स हैं, एंड ऑयल का यूज़ बहुत कम हुआ है, तो ये बहुत यम्मी है और ये चीज़ हमने पहले भी ट्राई किया है और वेट लॉस के लिए भी ये परफेक्ट है, तो इसे हम लेंगे। और साक्षी ने पहले ही खाना स्टार्ट कर दिया है, उधर देख लीजिए। इतनी खुशी मुझे। वॉकिंग कंप्लीट। अच्छा बताइए, आप लोग कितने स्टेप्स हुए हैं मेरे? 9,000 11,000 सही में? Yes, चलिए देखते हैं, आइए चलो। कम 11,604। मजा आया। Yes, wow. अरे कैलोरीज देख लो, 497, ओनली 3 कम है 500 में। इट्स गुड। देखा साक्षी, तुम वॉकिंग करने नहीं गई साथ में ना? चंदन भी नहीं गया। ओहो, बट स्टिल मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, एंड अब क्या करना है? अब सुना है। त्रिफला तो अब क्या करना है? हवन करेंगे। चलते हैं हम लोग, बहुत पसीना देख रही हूँ, इतना वॉकिंग का पसीना है। तो साक्षी को भी नींद आ रही है, साक्षी स्लीपी फील कर रही है, और चंदन तो एकदम थक के पस्त हो चुका है और वो बार बार बोल रहा है मैं थक गई। गजब बेइज्जती है। एक मिनट बोल भी दो। मैं तो थक गई भाई। मैं चंदन को आज बोल रही हूँ कुछ करने के लिए, तो बोल रहा है मैं थक गई। तो सही में थक चुका है, काफ़ी काम किया है इसने, काफ़ी एडिटिंग की है, एंड पनीर
कोल्हापुरी जो बनाया है इसने, एंड बहुत सारे काम करते हैं कि लोग इतनी खुशी मुझे। तो फ्रेंड्स सफर तो चलते रहता है, ये चलता रहेगा और आधे घंटे चलेगा, उसके बाद ही हम लोग सोते हैं। गुड नाइट होने के बाद भी जल्दी से गुड नाइट होता नहीं है, तो हम लोग कहते हैं गुड नाइट एंड बाय बाय स्वीट ड्रीम्स। कैसा लगा मेरा मजाक? कंट्रोल।